बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड ये देखें, ये रिबन का फ्रेम है, ये प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक में और ये मेटल में है। ये सारा ये मेटल की बनी है। फ्रेंड इस रिबन फ्रेम में हम माइनस 4 नंबर सीआर हार्ड कोट, ये देखें माइनस 4 नंबर वाइट सीआर, ये हम रिबन के फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेंड इस रिबन फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेंड मेरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। फ्रेंड ये लेफ्ट साइड का शीशा है, अब ये काटेंगे हम। काटने का ठीक है, अब हम ये राइट वाला शीशा जो है पार्टन निकालेंगे इसका। फ्रेंड ये देखिए दोनों शीशे काट लिए हमने, अब हम इस पे टेप लगाएंगे, प्लास्टिक के शीशे में निशान ना आ जाए। हमने ये सीआर के दरमियान में टेप लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड हमने टेप लगा दी है, अब हम शीशों को कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम ये फ्रेम है, इस फ्रेम में हम शीशे को फिट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड ये देखिए शीशे को हमने कटिंग कर ली है, अब हम ये प्लास्टिक का फ्रेम है, इसमें शीशे को फिट करेंगे। उसका तरीका बताएंगे हमने कैसे फिट करना है। फ्रेंड फ्रेंड ये देखें ये शीशे का रगड़ाई है, आप देख ही रहोगे कैमरे में हमने शीशे को कैसे रगड़ना है। फ्रेंड हमने शीशे को फ्रेम भी लास्ट में रख दिया है। फ्रेंड ये देखिए अब शीशा बराबर हो गया, अब हम इसकी नाली बनाएंगे। ये नाली बनाने का तरीका है, ये शीशा पूरा हो गया, ये फिट करने का तरीका है। ये देखिए शीशा फिट हो गया, ये देखिए कहीं से खला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है। अब हम ये राइट वाला शीशा है, इसको भी हम ऐसे ही रगड़ेंगे। फ्रेंड हमने शीशे को रगड़ के फ्रेम पे लाजमी रख के देखना है, शीशा छोटा नहीं हो जाए। फ्रेंड पानी हमने लाल में चलाना है और पानी तेज चलाना है। फ्रेंड ये देखिए शीशा पूरा हो गया, अब हम इसकी नाली बनाएंगे। फ्रेंड ये देखें अब हम शीशा फिट करेंगे, थोड़ा सा शीशा बड़ा है, अभी हम रगड़ाई को शुरू करेंगे। हमने शीशा टाइट फिट नहीं करना, अब हम टाइट फिट करेंगे फ्रेम टूट जाएगा। हमने शीशा थोड़ा सा लूज रखना है। ये देखें फ्रेंड ये शीशा फिट हो गया, और ये देखें बिल्कुल प्रॉपर फिट है, कहीं से खला नहीं है। फ्रेंड ये देखें तैयार है। फ्रेंड अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।